हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और आज कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ स्केचिंग क्लास में जिससे आपकी स्केचिंग को एक नया मोड मिलेगा और हमारी स्केचिंग और इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्केचिंग किया है वो हम लोगों ने अंदाज में ही किया है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर होगी, जैसे सीनरी है या फिर ऑब्जेक्ट है, स्टिल लाइफ है, हम लोगों ने जो भी किया एक अंदाज पे ही किया। तो अभी हम जो करेंगे वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके करेंगे, कौन सी चीज़ कितनी दूर है और पास आएगी तो कितनी दूर होगी। जैसे आप हमारे हैंड को भी देख रहे हो, मेरे हैंड को, कि दोनों तो से साइज़ दोनों का सेम है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो कि कैमरे के सामने है वो एक चीज़ बड़ी और एक चीज़ छोटी है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि जब तक हम पर्सपेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे अपनी स्केचिंग में तब तक हमारी जो स्केचिंग होगी वो अलाइव फील नहीं होगी। तो और 3D और रियलिस्टिक फील करने के लिए हमको पर्सपेक्टिव यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो ये तीन ये उसमें होगा, जैसे कि 0.1, 0.2 और 0.3। तो इन तीनों पर्सपेक्टिव के बारे में आज जानेंगे और इसका एक एक एग्जांपल से कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने स्केचिंग में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो भी ड्राइंग करते हैं, जो भी पेंटिंग करते हैं, जो भी चीज़ों को हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो हर एक चीज़ों का अपना एक आकार होता है, एक अपना एक डायमेंशन होता है। तो सिंपली जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग कैसे किया था, तो हम लोगों ने जो बिगनिंग की है हर एक एंगल की, तो एक स्क्वायर लिया है, एक रेक्टेंगल लिया है और एक सर्कल है। तो ये एक बेसिक शेप्स हैं जो हमें डे टू डेली लाइफ में, हमारे आसपास में, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें ही मिलती हैं। इनफैक्ट इनसे भी ज़्यादा हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कि ये वाली चीज़ें मिलती हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बाहर मिलेंगी या घर के अंदर मिलेंगी। तो ऐसी चीज़ों को ही हम ड्रॉ करते हैं और ये सब चीज़ें कैसे हमारे डे टू डेली लाइफ में रिलेटेड है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि और ये सब चीज़ों से रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, मैं कहीं ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं गया, मुझे जब मैंने घर के अंदर देखा तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक स्क्वायर है, आप एक रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं। तो जनरली हम बॉक्स बनाते हैं तो फिर जनरली हमें थोड़ा डायमेंशन देना होता है, तो हम इसको ऐसे दे देते हैं, तो ये चीज़ों को दे देते हैं। अगर हमें रेक्टेंगल बनाना होता है तो फ्रंट फेस लेके ये चीज़ें दे देते हैं। हर एक शेप का अपना एक एंगल है, हर एक शेप का अपना एक डायमेंशन है। तो हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं वो हमें डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा एक आई लेवल होता है, ये एक हमारा, और ये एक लाइन जाती है जिसको हम कहते हैं वैनिशिंग पॉइंट यहाँ पे, और ये जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं होराइजन। तो होराइजन मीन्स कि आपका आई लेवल कैसे चीज़ों को देखता है वो उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि अगर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया तो ये आपको सिर्फ ये वाली चीज़ दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे दिख रही है आपको ये वाली ही चीज़ फ्रंट में दिख रही है। अगर वो चीज़ को अगर मैं थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ तो आपको अभी ऊपर की भी पार्ट दिखता है और सामने का भी पार्ट दिखता है। तो ये मैंने अगर ऐसे ड्रॉ किया तो आपको फ्रंट का भी दिख रहा है और आपका पीछे का भी दिख रहा है। वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दूं तो अभी आपको ये नीचे का पार्ट और ये सामने का फेस दिखेगा। वो कैसे, वो देखिए, ये नीचे का पार्ट दिख रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका नज़रिया कैसा है देखने का, आप क्या चीज़ों को दिखाना चाहते हैं, आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टिल लाइफ करते हो या फिर आप मेमोरी ड्राइंग करें, तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्केचिंग किया है हम लोगों ने डायरेक्ट स्केच कर दिया है या कुछ भी जो भी किया, अभी हम जो करेंगे वो पर्सपेक्टिव में करेंगे। तो अभी जो पहला जो शेप है वो आपका रेक्टेंगल हुआ स्क्वायर शेप में,
और जो दूसरा है ये, उसका एक एग्जांपल मुझे मिला ये वाली चीज़, तो ये देख सकते हो आप। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसका भी एक अपना एक डायमेंशन, जैसे मैंने आपको बताया नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट और ये फ्रंट फेस। तो हम लोग अभी भी जो भी बनाते हैं ये ऐसे बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये है। तो अभी इसका भी एक डायमेंशन होगा, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर तो इसका भी आप देख रहे हो कि ये इसका एक डायमेंशन दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम देख कैसे रहे हैं। और जो तीसरा ऑब्जेक्ट है वो है, आप देख रहे हो कि इसकी जो साइज़ है और इसकी जो साइज़ है ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जब भी हम इसको ऐसे देखते हैं, एंगल अगर चेंज करते हैं, तो अभी आप देखोगे कि ये बड़ी चीज़ दिख रही है और ये यहाँ पे जो है वो छोटी दिख रही है। वो क्यों दिख रही है? क्योंकि एंगल के कारण, पर्सपेक्टिव के कारण। तो अभी तक हम लोगों ने जब भी कोई चीज़ बनाई है ऐसे, तो हम जनरली क्या करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ किया और इसका थोड़ा एंगल दिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसे कर दिया। तो अभी चीज़ें हम एक कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं उस पर ध्यान देंगे, जिससे आपकी स्केचिंग और इम्प्रूव होगी। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्लासेस में किए हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डायरेक्ट स्केच किए हैं, अभी हम पर्सपेक्टिव में जाएंगे। और इसके लिए जनरली तो मैं स्केल का यूज़ करना उतना ज़रूरी नहीं समझता, रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको स्केल यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कितना ज़रूरी है, और इस पर्सपेक्टिव में भी आपको तीन तरह की चीज़ें होती हैं। वन पॉइंट होता है, एक तो होता है वन पॉइंट, एक जैसे आप देख रहे हो टू पॉइंट, थ्री पॉइंट। जनरली हम ये तीन को ही कवर करेंगे। तो जो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका वन पॉइंट। तो मैं आपको बताऊंगा अभी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये मैंने एक पॉइंट किया, ये आप कह सकते हो कि एक होराइज़न है, होराइज़न लाइन जैसे आप कहते हो वैसे ही। जब भी हम हमारा जो देखने का होता है कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो कहीं ना कहीं जो स्काई और जो ज़मीन होती है वो एक जगह मिलती है, जिसको हम कहते हैं होराइज़न। तो ये हो गई कि हमारे आई लेवल से हम कैसे देख रहे हैं चीज़ों को। तो अभी सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था रेक्टेंगल स्क्वायर का, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हम और एक बॉक्स बनाएंगे कि उसको डिफाइन करेंगे। जनरली बॉक्स के लिए हम जो भी साइज का बॉक्स होगा, अभी आप देख रहे हो ये जो हमारा एक पॉइंट है जो वन पॉइंट कहते हैं इसको। तो अब ये पॉइंट से जितने भी आपको एंगल जो दिख रहे हैं, जितने भी पॉइंट हैं, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक पॉइंट होता है, जैसे आप चार पॉइंट देख रहे हो, तो जो भी इसके फेस में दिख रहा है, इसके नज़दीक से दिख रहा है, वो आपको मिलाना है। इससे हमें एक ड्रॉ करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर वो भी आपको पर्सपेक्टिव में, और वो बहुत ही इजी। तो ये हमें देख रहे हो कि ये जो बॉक्स है इसमें हमें तीन पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से, तो इस तीन पॉइंट को हम यहाँ पे मिलाएंगे। उसके लिए मैं स्केल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्केल से, ये थोड़ी परफेक्ट आती हैं चीज़ें। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोगों ने इसको फाइनल किया,
तो अभी आप देख रहे हो कि एक डिस्टेंस पता चल रहा है आपको कि ये जो हमारा जो सामने की फेस है, ये वाला स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, वो लास्ट तक जा रही है। अब हमें डिसाइड करना है कि वो कितनी बड़े साइज़ की होगी, या हमें इतनी बड़े साइज़ की चाहिए, या ये साइज़ की चाहिए, या इतने बड़े साइज़ की। जैसे आपको लग रहा है कि कुछ पिलर हैं जो नीचे से, बहुत नीचे से आप देख रहे हो ऊपर की तरफ, आप एक एंगल ऐसे भी आपको दिख रहा है, तो अगर मान लो कि मुझे इतनी बड़े ही साइज़ की चाहिए, और ये भी मुझे ये चाहिए, और ये जो आप देख रहे हो, ये इसका जो मेन आपका जो आकार है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंटेन करना है, ये वाली चीज़। ऐसे, और जो बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप इरेज कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा और कि ये सबके अपने अलग अलग साइज़ हैं, सबके तो डिस्टेंस में अलग अलग तरह से दिख रही हैं। और इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइट एंगल ले सकते हैं कि आपकी जो मेन सोर्स है लाइट की, वो कहाँ से आ रही है। अगर ये लाइट इधर से आ रही है तो ये वाली पार्ट जो होती है वो थोड़ी डार्क होगी, तो ये हम लोगों ने देखा कि हर एक शेप का अपना अपना एक एंगल आपको दिखा, कि जब हम ये हमारा अगर आई लेवल है तो ये जो बॉक्स है ऊपर है आई लेवल के ऊपर, तो ये हमें नीचे का पार्ट दिख रहा है, और ये हमारे जो आई लेवल से नीचे का पार्ट है तो ये ऊपर की चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ऐसे, ये जो आपकी एंगल जा रही है ये वाला ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपको ऊपर की चीज़ दिख रही है, यहाँ पे नीचे की दिख रही है, और ये हमारा आई लेवल है। ये एक एग्जांपल है। और जो दूसरा एक एग्जांपल है, आप सबने देखा होगा कि हम घर के अंदर अगर होते हैं तो हमें एक एंगल मिलता है, अगर आप एक कॉर्नर में या फिर आप सेंटर में जाके किनारे की तरफ अगर खड़े हो जाते तो आपको क्या दिखता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको तो सबसे पहले एक ये दिखता है, ये क्या है, ये एक वॉल है सामने की, और ये आपका गेट हो गया अंदर आने की। जैसे मैंने आपको बताया था कि वन पॉइंट, तो ये आपका एक वन पॉइंट है, और एक सामने का फेस तो हमें दिखता ही है सॉलिड, तो ये हो गया हमारे सामने का। अब जो हमारा घर है, वो कुछ ऐसा होगा, आप स्केल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, मैं ऐसे फ्री हैंड कर रहा हूँ। तो अब क्या है, ये जो पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट ऐसे मिलेंगे, ये आप देख रहे हो, तो ये एक हमारा एक कॉर्नर हुआ। अभी इसमें क्या है कि आप देख रहे हो,
कि 10 पॉइंट मैंने बनाए, तो सेम डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स बनाने होंगे। जो टाइल्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ करके आपको सिंपली एक बताया। और अगर आपके इस कॉर्नर पे आपके टीवी यूनिट है तो हमें फ्रंट फेस कैसा दिखेगा, हमें ये तो ऐसे दिखेगा यहाँ पे। अब टीवी का लेंथ कितना होगा, अभी जनरली हम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ करना होगा तो जो फेस जो आपको सामने दिख रहा है उसको मिलाना होगा इससे, जैसा कि हम लोगों ने बॉक्स से मिलाया था। तो ये हुआ। अब आपकी टीवी कितनी लेंथ पे है हमें डिसाइड करना होगा, तो हम यहाँ तक करेंगे और इसको इरेज कर देंगे। तो हमें एक परफेक्ट मिल जाती है एंड यहाँ से, तो हमें ये टीवी का जो ये है वो मिल गया। अगर कोई मान लो यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ, तो हमें यहाँ पे फ्रंट का हमें पता है। अब इसमें आपको ये चार पॉइंट दिख रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट को हम मिला देते हैं यहाँ पे, हमारा पांचवा पॉइंट भी बनेगा। तो अब कितना लेंथ है इसका, हम वहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ तक ही बनाना है, इसकी लेंथ यहाँ तक ही है। तो बाकी को अगर मैंने इरेज किया यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि हमें इजीली वो शेप मिल जाता है। नहीं तो हम अगर रफ यूज़ करते थे कि कोई भी सोफ़ा अगर बनाया, तो हमें पता नहीं होता कितना दूर हो, पर्सपेक्टिव क्या होगी, तो हम अंदाज भी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक परफेक्ट एंगल मिल जाता है, परफेक्ट साइज़ मिल जाती है, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती है। कोई भी अगर पेंटिंग हो, तो पेंटिंग के लिए आप देख रहे हो कि ये पॉइंट है, तो हमारी जो पेंटिंग होगी इतनी साइज़ की होगी। तो ये है वन पॉइंट जिससे आपको सारी चीज़ें आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाती हैं। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है वन पॉइंट का। और ये इसकी जो पटरियां हैं, और ये जो आपको ऊपर से ये जो फ्रंट फेस दिख रही है, उसके बाद ये आपको उसके नीचे का पार्ट है। और उस पर भी ये आपका डिस्टेंस, जैसे जैसे हमारे सामने आती है इसका जो साइज है वो बढ़ता जाता है। या उसके नीचे का पार्ट, तो ये हो गई उसकी लाइन। इसके
ऊपर आप देख सकते हो कि कितने सारे पेबल्स वगैरह होते हैं, इसके किनारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्टोन्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो आप डिटेल आप कर सकते हो। मैं आपको एक नॉर्मली एक लुक दे रहा हूँ आपको कि कैसे पर्सपेक्टिव होता है। उसके बाद ये एक एरिया होता है, उस एरिया के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रीज होते हैं, और एक आप जब देखते हो तो ये ट्रीज का जो ये आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे साइज जबकि जितनी दूर होती जाती है उसकी साइज कम होती जाती है। अगर आपने एक यहाँ पे घर भी बनाया तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट फेस आपको हमेशा ही दिखता है, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगी, और जैसे जैसे ये दूर जाएगी तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है। तो ये अगर वही चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे जो आएगी वो साइज़ इतनी बड़ी हो जाएगी, जितना हमारे आई लेवल के पास आएगा। तो सारी चीज़ें, कोई चीज़ अगर मैं ट्री बना रहा हूँ तो जैसे आप देख रहे हो कि ये साइज़ इसकी बढ़ती जा रही है, और जब ये चीज़ों का ऐसे आएगा, हम अगर इलेक्ट्रिक पोल बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोल जैसे जैसे हमारे नज़दीक आएगी वो पोल ऐसा होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि ये पर्सपेक्टिव है इसका, और जैसे जैसे आएगी तो ये सब चीज़ों का हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली हम पहले की जो भी क्लास हम लोगों ने किया वो ऐसे नहीं करते हैं, या हम लोगों ने पहले जो ड्राइंग किए वैसा नहीं किया, तो अभी हमें इन सबको पर्सपेक्टिव वे में जाना होगा। जो भी डिटेल है इसके बाद करते हैं, ये हमने एक रफ मैंने आपको बताया। आप पहले आप जब भी कोई डिटेल वर्क करें उसके पहले एक रफ वर्क कर ले ऐसे, उसके बाद आपको जैसे डिटेल करना हो या फिर आपको अपने जो ये पोल बनाना है इलेक्ट्रिक पोल, तब आप इसको आप एक अलग से शेप देंगे, फिर इसके बाद इसमें डिटेल कैसे होंगे, इसमें बॉक्स होंगे, तो ये सारी डिटेल ये बाद की चीज़ें हैं। लेकिन पहले आपकी जो स्केचिंग है टेक्निकली वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये अभी तक जितने तीन चार जो भी एग्जांपल बताए मैंने, ये पॉइंट वन पॉइंट के हैं, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी जानकारी होंगी आप या फिर कोई क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने कुछ ड्रॉ किया है तो मुझे दिखाएँ और मैं उसको करेक्ट करूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी जो भी स्केच करते हैं मुझे भेजा करें, और मैंने जो अपने इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहता हूँ मैं, तो आप वहाँ से मुझे ऐड करें और अपने स्केचेस भेजें, जिसको मैं एक अगले वीडियो में रिव्यू भी करूँगा मैं अपनी स्केचिंग कम्प्लीट होने के बाद। तो प्लीज़ अपनी जो स्केचेज़ हैं मुझे फॉरवर्ड करें, जिससे कि मैं आपको रिव्यू बता सकूँ कि आपके कहाँ पर फॉल्ट हैं, कहाँ पर आपको चीज़ें करेक्ट करनी की हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंड पॉइंट में।